मैट्रिक मैथ्स लेक्चर नंबर टू यूनिट नंबर वन एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमें बात की थी हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर वन में और हमने उसके अंदर डिस्कशन किया था कुछ क्वेश्चंस को मैंने डील किया था उन तमाम क्वेश्चंस के बाद अब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा इस वक्त हमारे पास एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री में सवाल लिखा हुआ है देखिएगा बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर थ्री में सवाल लिखा हुआ है ए यूनियन बी एक सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री ए यूनियन बी। देखो बेटा ये क्वेश्चन बुक में तो नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताना ज़रूरी है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा उसके बाद सीक्वेंस में हम काम करेंगे। ये यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो बेटा पहले एक बात तो क्लियर कर लो, ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल को हमेशा बोल्ड करके लिखा जाता है और यूनियन को हम डायरेक्टली सिंपली यू से सिंबलाइज करते हैं। इसे हम यूनियन पढ़ते हैं, इसे यूनियन पढ़ा जाता है और इसे हम यूनिवर्सल पढ़ते हैं, ठीक है? इसे यूनियन पढ़ते हैं और इसे हम यूनिवर्सल पढ़ते हैं। यूनियन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल। मतलब कहने का यहां पर यह है, बात कुछ ये है कि लिखा हुआ है आपके सामने दो सेट है ए और बी, कहता है इनके बिटवीन तुम्हें यूनियन लेनी है। यूनियन में हम करते क्या है? यूनियन में ये किया जाता है कि दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स मौजूद है वो रिपीटेड है या रिपीटेड नहीं है, आपने उन तमाम एलिमेंट्स को एक मरतबा अरेंज करके लिख देना है। यूनियन में ये करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर लिखा हुआ है सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी इनके इन बिटवीन अगर आपने यूनियन लेना है, लिखता है इसके सेट ए यूनियन ऑफ सेट बी, मतलब आपने सेट ए और सेट बी के बिटवीन यूनियन लेनी है। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं आपने उन तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके एक मरतबा लिखना है। वो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं या वो रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं है, जो भी एलिमेंट्स हैं आपने तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा बेटा बोर्ड पर अगर मैं मेंशन करूं यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर मैं यहां पर बात करूं, लिखा हुआ है सबसे पहले आपके सामने ए यूनियन ऑफ बी, इट मींस आपने ए और बी के बिटवीन क्या लेना है बेटा? यूनियन लेना है। आपने सेट ए और सेट बी के बिटवीन यूनियन को आपने यहां पे कंसिडर करना है। तो हम करेंगे किस तरह से, इज इक्वल्स टू को मैंने मेंशन किया, ए की जगह पर हम ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे, बीच में क्या है यूनियन है बेटा, मैंने यूनियन को यूनियन से ड्रॉ किया और बी की जगह पर हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। इट मींस लिखा हुआ था आप मालूम करें ए यूनियन बी, वो कहता है मालूम करके बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। आपके पास सेट ए क्या था? मैं इनिशियली मेंशन किया था सेट ए के एलिमेंट्स क्या है एफ ए सी ई, सेट बी के एलिमेंट्स क्या है ई जी डी एफ और यूनिवर्सल सेट क्या है ए बी सी डी ई एफ जी। तो अब कहता है ए और बी के बिटवीन यूनियन लें, यानी ए और बी के बिटवीन जो भी एलिमेंट्स हैं आप उन एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखें, वो एलिमेंट्स रिपीटेड हैं या वो एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं है, जो भी एलिमेंट्स हैं आपने तमाम एलिमेंट्स को एक मरतबा मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल ए की जगह पर मेंशन करूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा एफ ए सी ई, ए के एलिमेंट्स को लिखा, बी के एलिमेंट्स क्या है बेटा देखिएगा मैंने मेंशन किया ई जी डी एफ। इट मींस ए ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, बीच में यूनियन था यूनियन लगाया, बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स, इट मींस ए यूनियन बी को मैंने मेंशन कर दिया। अगर मैं अब यहां पर ए यूनियन बी को कैलकुलेट करूं, मैंने मेंशन किया ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से जो भी एलिमेंट्स हैं इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स है उसका यूनियन ले, यानी इन दोनों में से जो भी एलिमेंट्स है आप उन तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखें। अब इन दोनों में से जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं या रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं है, जो भी एलिमेंट्स हैं आपने उसे एक मरतबा अरेंज करके लिख दे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है ए, ए लिखा, अब चेक करो बी है दोनों में नहीं है, सी है ए सी लिख दिया, सी के बाद क्या आता है डी, सर डी है ये रहा डी, डी को डी लिखा। देखो बेटा ई दो मरतबा आया है लेकिन लिखेंगे कितनी बार, एक बार लिखेंगे, ई दो मरतबा है लेकिन कितनी बार लिखा, एक बार लिखेंगे। रिपीटेड एलिमेंट्स एक बार हो या 10 बार हो, लिखा एक बार जाएगा यूनियन के अंदर। ई के बाद बेटा एफ, देखो बेटा एफ भी दो मरतबा है, मैंने एक मरतबा लिखा, एफ के बाद क्या है बेटा
जी, मैंने जी को जी मेंशन किया, इट मींस ए यूनियन बी क्या होगा? सर ए और बी का यूनियन क्या होगा? मैंने मेंशन किया ए सी डी ई एफ जी, इन दोनों सेट्स के बिटवीन मैंने यूनियन को यहाँ पे कंसीडर किया। इसके बाद एक और सवाल है, जैसे देखिएगा बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सर कैसे मालूम करेंगे? देखो मेरा बेटा, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ये जो सिंबल बनी है ना, इस सिंबल का मतलब क्या होता है देखना गौर से, ये है इंटरसेक्शन, इसे इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। वो कहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम करो, यानी ए और बी का क्या मालूम करो? इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी का क्या मालूम करो? कॉमन। अब इट मींस मतलब ये बनी बेटा कि ए सेट और बी सेट के बिटवीन जो भी एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका एक सेट बना के दिखाएं, मतलब ए और बी के बिटवीन जो कॉमन है आपने उसके कॉमन का सेट मालूम करना है। अगर मैं उसके कॉमन का सेट मालूम करूं तो किस तरह से होगा बेटा? देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? मैंने ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स को लिखा, इसके बाद फिर क्या होगा आगे बेटा देखिएगा? सर इसके बाद ये होगा कि बीच में क्या है? इंटरसेक्शन, मैंने इंटरसेक्शन को ड्रॉ किया और बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स लिखूंगा। सर ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? देखे बेटा ए के एलिमेंट्स क्या है? एफ ए सी ई, और बी के एलिमेंट्स क्या है? ई जी डी एफ। तो मैंने क्या मेंशन किया यहाँ पर? सबसे पहले ए के एलिमेंट्स एफ ए सी ई, एंड देन बेटा ई जी डी एफ, ठीक है बेटा, ई जी डी एफ, ठीक है बेटा। मैंने आपके सामने ये दोनों सेट मेंशन कर दिया। अब हमें मालूम क्या करना है? अब हमें यहाँ पर ए और बी के बिटवीन इंटरसेक्शन मालूम करनी है, यानी हमें ए और बी के बिटवीन कॉमन मालूम करना है। मेरा बेटा अगर मैं ए और बी के बिटवीन कॉमन मालूम करूं तो खुद चेक करें बेटा। सबसे पहले कॉमन क्या है? इन दोनों में इंटरसेक्शन मालूम करें, यानी इन दोनों में कॉमन मालूम करें। अब इन दोनों में कॉमन क्या है सर? सर चेक करें सबसे पहले ए, यहाँ पर ए है नहीं है, ए कॉमन नहीं है। बी, बी भी कॉमन नहीं है। सी, यहाँ पे सी नहीं है, कॉमन नहीं है। डी, सर डी इसके पास है लेकिन यहाँ पे नहीं है, डी कॉमन नहीं है। वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो उसे कॉमन कहते हैं। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ई, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? ई, सर ई दोनों के पास है तो इसका मतलब ई क्या है? कॉमन है। इसके बाद एफ, एफ सर एफ क्या है? कॉमन है, इट मीन्स इन दोनों सेट में, और जी तो कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या बना? इन दोनों सेट में वो एलिमेंट्स जो कॉमन है, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा? ई एंड एफ। समझ आ रही है बात बेटा? अच्छा इसके बाद देखिएगा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे सवाल क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड हम बात करते हैं। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 को डील करूं, क्लियर था ना बेटा ये? इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल लिखा हुआ है, एक सवाल है बुक में क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट द होल प्राइम, ए यूनियन बी द होल प्राइम। इसका मतलब ये बना आपने ए यूनियन बी के होल प्राइम को कैलकुलेट करना है। सर हमें मालूम क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन में मालूम करना है ए यूनियन बी द होल प्राइम, यानी द होल कॉम्प्लीमेंट। हमें इस चीज को मालूम करना है, अगर हमें मालूम करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब वो कौन से एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल के पास है लेकिन ए यूनियन बी के पास नहीं है, तो इसका मतलब तो ये बना सर वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल के पास मौजूद है लेकिन ए यूनियन बी के पास मौजूद नहीं है, तो इसके लिए तो पहले जरूरी होगा कि हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। देखो बेटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर। मैं ब्रैकेट को इंडिकेटर कहता हूं। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? टू इंडिकेट समथिंग, इशारा करना। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना।
अगर कभी ब्रैकेट लगा हुआ आ जाए तो हमेशा याद रखना, ब्रैकेट का मतलब होता है इंडिकेटर, यानी इशारा करना। वो इंडिकेट करता है ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें। अगर हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करें तो इसका मतलब अगर आपको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी को मालूम करोगे। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास ए यूनियन बी नहीं आएगा हम ये नहीं बता सकते कि वो कौन सा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में है लेकिन ए यूनियन बी में मौजूद नहीं है। उसके लिए ज़रूरी होगा पहले आप ए यूनियन बी मालूम करोगे। सर कैसे मालूम करेंगे? अभी आपको मालूम करके मैंने सिखाया था ए यूनियन बी मालूम करने का तरीका क्या होगा। सर ए यूनियन बी मालूम करनी है, ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, यूनियन को सेम लिखा, बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या है बेटा? एफ ए सी ई। बी के एलिमेंट्स क्या है बेटा? ई जी डी एफ। क्लियर? अगर अब मैं यहां पर ए यूनियन बी मालूम करूं तो कैसे होगा बेटा? ए यूनियन बी, यूनियन में क्या करते थे बेटा, तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखते हैं, रिपीट हो या रिपीट ना हो उसे एक मरतबा अरेंज करेंगे। अगर मैं एक मरतबा अरेंज करूं तो क्या बनेगा बेटा? ए सी डी ई F, G। देखो बेटा E और F दो मरतबा था लेकिन रिपीट हो रहा है तो एक बार ही लिखा जाएगा, किसमें? यूनियन में। तो A यूनियन B के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए तो अब हम क्या मालूम करेंगे? आपने पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स जो लिखा हुआ था A यूनियन B पहले आपने वो मालूम करनी है। और जब आपने पहले ब्रैकेट के अंदर के सेट को मालूम कर लिया अब मालूम करोगे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे। कैसे? हमें मालूम करनी है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था अगर आपने मालूम करना हो ए कॉम्प्लीमेंट क्या करते थे? यूनिवर्सल माइनस ए। मालूम करना हो बी कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे? यूनिवर्सल माइनस बी। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करो तो क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं यूनिवर्सल में से उसे माइनस करवा देते हैं। That's why देखेगा अब हमें मालूम करना है A union B का whole complement यानी universal minus A union B। अब कैसे मालूम करेंगे मेरे बच्चों? देखेगा बोर्ड पर आपके सामने initially क्या होगा, हमने mention किया हमें मालूम करना है A universal B the whole prime यानी whole complement। अब लिखा हुआ है universal, हम universal की जगह पर universal के elements minus A union B की जगह पर A union B के elements को लिखेंगे। सर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? आपके सामने मौजूद है। देखो बेटा यूनिवर्सल के नीचे यूनिवर्सल के एलिमेंट्स माइनस को माइनस लिखा, ए यूनियन बी की जगह पर हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स कौन से हैं ये अभी हमने मालूम किया। तो पहले यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखते हैं। क्या है यूनिवर्सल के एलिमेंट्स? ए बी सी डी ई एफ जी। देख ले बेटा अब ए यूनियन बी की जगह पर क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है? ए यूनियन बी के एलिमेंट्स दिस वन। अब A union B की जगह पे क्या लिखा? A C D E F G। कोई confusion तो नहीं किसी को? हमने A union B की जगह पर A union B के elements को लिखा और universal की जगह पर universal को। आगे देखो बेटा cancellation करवाते हैं। A से A cancel, C से C cancel, D से D cancel, E से E cancel, F से F cancel, G से G cancel। क्या बचा? जो भी बचा वो आपका A union B का क्या बनेगा? Whole complement। क्या बचा बेटा? चेक करो सर, बी बचा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। इट मीन्स हमारे पास रिमेन क्या बचा? बी। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? बी। क्योंकि बी वो एलिमेंट था जो यूनिवर्सल में मौजूद होगा लेकिन ए यूनियन बी के पास मौजूद नहीं था, यहाँ पे बी मिसिंग थी। और यूनिवर्सल में बी मौजूद है लेकिन यहाँ पे बी मौजूद नहीं है। तो ये वो एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में है लेकिन इसके पास नहीं था और हमने मालूम कर लिया द आंसर इज ए यूनियन बी। समझ आ रही है बात बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? आगे चले। ओके पहले आप देख लें इस क्वेश्चन को कि कंफ्यूजन हो तो पूछे बेटा। पहले हमने ए यूनियन बी को कैलकुलेट किया और ए यूनियन बी के बाद हमने ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट किया और उसका आंसर हमने आपके सामने कैलकुलेट करके मेंशन कर दिया। क्लियर है बेटा? आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। अब हम आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसके बाद एक और सवाल है जो माइंड में आ रहा है, उस क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूं और उस क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे चलते हैं बेटा। देखिएगा एक सवाल है बेटा, एक क्वेश्चन है जो इस वक्त माइंड में आ रहा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले अगर आपको इस लेक्चर को नोट करना है तो उसे नोट भी कर लीजिएगा और उसके बाद
हम आगे चलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। सॉरी बेटा, थोड़ी जज्बात में मैं आ गया था, जिसकी वजह से मैंने डिस्ट्रिक्ट को साइड पे थ्रो किया। एक सवाल आया बेटा माइंड में, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा। ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट, यानी अब हमें ए और बी के बिटवीन इंटरसेक्शन के होल कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना है। मतलब वो एलिमेंट्स हमें मालूम करना है जो ए इंटरसेक्शन बी के पास मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल में मौजूद है। मतलब वो एलिमेंट्स मालूम करने जो यूनिवर्सल के पास मौजूद है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी के पास मौजूद नहीं है। सर फिर से ब्रैकेट आ गया, क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सर ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखी हुई है, हम पहले उस एलिमेंट्स को मालूम करेंगे, यानी हम इनिशियली यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को मालूम करते हैं। सबसे पहले हम मालूम करेंगे बेटा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉमन। यस बेटा, कॉमन। पहले हम क्या मालूम करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को, और फिर उसके बाद उसके होल कॉम्प्लीमेंट को मालूम करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या है बेटा हमारे पास? एफ ए सी ई, देख ले बेटा यहाँ लिखा हुआ है। बी के एलिमेंट्स क्या है बेटा? ई जी डी एफ। यस बेटा, इसके बाद अब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी मैंने सेम लिखा, अब इन दोनों में जो कॉमन है वो मालूम करें। सर कॉमन क्या है जल्दी से देखकर बताओ बेटा, जल्दी से देखो, खुद बताओ मुझे, आप कैलकुलेट करके बताएं बेटा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन। सर हमारे पास कॉमन क्या है? ई एन ई एफ एन एफ, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, तो कॉमन इज ई एन एफ। क्लियर? क्लियर, हमारे पास कॉमन है ई एन एफ। यार हमने सर ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के बाद अब हम आगे क्या मालूम करेंगे सर? अब हमें मालूम करनी है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। कैसे मालूम करेंगे? यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बात वही आ गई ना बेटा, जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, जिसका प्राइम मालूम करते हैं, यूनिवर्सल में से उसे माइनस करवाना पड़ता है। तो इट मींस क्या करेंगे बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। चलो बेटा ये कैलकुलेट करके आप मुझे बताएं, जल्दी से स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए बेटा, जल्दी से कंप्लीट करें और फिर मुझे इसका आंसर बताएं। यूनिवर्सल की जगह पर ए बी सी डी ई एफ जी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? ई एन एफ। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ, मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर मालूम करके अपनी अपनी कॉपीज पे लिखें, जल्दी से बेटा, जल्दी स्टार्ट, टाइम जाया नहीं करना है बेटा, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, मालूम करो इसका आंसर क्या होगा। एक मिनट का टाइम देता हूं, आप पहले कैलकुलेट करें फिर मैं बताऊंगा, देखते हैं पहले कौन करता है। एक मिनट का टाइम दिया बेटा, जल्दी। हो गया, कर लिया बेटा? ओके, और टैली करते हैं। सर क्या होगा? ई से ई कैंसिल हुआ, एफ से एफ कैंसिल हुआ, क्या बचा? टैली करें, ए बी सी डी जी, यही बचा बेटा। या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। ओके, सो अभी हमने क्वेश्चन डील किया, क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी हमने बात की। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसे अच्छे से नोट कर लेना। अच्छा, मैं जब एक क्वेश्चन समझाता हूँ तो उसके बाद फिर मैं रिमूव करके दूसरा समझाता हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, उसे पॉज कर लीजिएगा, स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को, और पहले फिर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस को डील कीजिएगा। तो मतलब स्टॉप कर करके आपने कॉपी पे नोट भी करना है साथ साथ। अच्छा, पूरी एक बाकायदा आपने मैथ्स का एक रजिस्टर लेना है, अप्रोक्सीमेट कोई 500 या 1000 पेजेस का आता है, क्योंकि एक जगह पे पूरी प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए आपकी, पूरा एक नोट से एक कॉपी होनी चाहिए। तो काइंडली ये काम कीजिएगा। अच्छा, तरीके से साफ साफ काम करना है, पेन और मार्कर और पेंसिल को यूज़ कर करके आपने जिस तरह से मैंने नोट करवाया, तो आपने इसी सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चंस को नोट करना है। अच्छा, ये बार बार तो नहीं लिखना, एक मरतबा जब आपने लिख लिया, अब उसके नीचे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे अब मैं, मेरे सामने तो इसलिए ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता हो कि हमने ये सेट को यूज़ करके काम करना है। आप एक मरतबा लिख लीजिएगा और फिर उसके नीचे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। अच्छा बेटा, एक और बात, ये
मैं आपको बहुत जल्द असाइनमेंट भी दूंगा और असाइनमेंट से रिलेटेड भी बात करूंगा, तो काइंडली एक काम ये कीजिएगा कि आप सब असाइनमेंट भी परचेस कर लीजिएगा, असाइनमेंट ले लीजिएगा सेंटर से, जो भी तरीका है वो आपके पेरेंट्स और सेंटर वाले जानते होंगे, आप बात कर लीजिएगा तो, और वो एक असाइनमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको असाइनमेंट्स के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना शुरू हो जाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी हम साथ साथ डील करेंगे। ये मेरा तरीका है क्योंकि मैं पास्ट पेपर्स के ऊपर साथ साथ काम करता हूँ, तो कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह आपके पास वो चीज़ मौजूद हो, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कीजिएगा। बेटा एक काम और, बेटा इन क्वेश्चंस की जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं असाइनमेंट लूंगा तो फिर मैं खुद कहूंगा कि मुझे फाइव टाइम प्रैक्टिस का असाइनमेंट दे रहा हूँ और फिर मुझे नेक्स्ट डे की रिपोर्ट चाहिए, तो मैं इंडिविजुअली हर एक बच्चे से पूछूंगा, कॉल करूंगा और एक एक बच्चे की रिपोर्ट लूंगा, उनके पेरेंट्स से भी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो मेरे बेटा अब तक जो डिस्कशन किया, आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।